इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों, जी हां, आपको बता दें कि उपचुनाव में अल्पसंख्यक बहुल दो सीटों पर मिली बीजेपी को जीत। संबित पात्रा बोले, इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के बावजूद हार मिली है। त्रिपुरा के बोक्सा नगर और धानपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिल चुकी है। दोनों जगह बीजेपी ने CPIM उम्मीदवार को हराया है। दर्शकों, आपको बता दें कि त्रिपुरा में दो सीटों पर हुए उपचुनाव में यहां पर बीजेपी को अच्छी खासी जीत हासिल हुई है। समित पात्रा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। पात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि त्रिपुरा उपचुनाव में घमंडिया गठबंधन का न सिर्फ घमंड टूटा है, बल्कि यह उनकी करारी हार है। जनता ने इनके गठबंधन को ठगबंधन साबित कर दिया है। बीजेपी नेता ने आगे लिखा कि बॉक्सर नगर और धानपुर दोनों सीटें अल्पसंख्यक बहुल है और घमंडिया गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी लड़ने के बाद भी भाजपा की यह जीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और सर्वमान्य नेतृत्व तथा उनके सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर हुई है। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरीके से दर्शकों 5 सितंबर को यहाँ वोट डाले गए थे, उसके बाद आज यहाँ का रिजल्ट यानी कि त्रिपुरा का रिजल्ट आ चुका है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने करारी जीत हासिल की है और करारी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है इंडिया गठबंधन को। लेकिन आपको बता दें दर्शकों कि वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनावों को लेकर जो अभी यहाँ पर 9वें राउंड की जो गिनती है वो सामने आने लगी है और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सपा के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दारा सिंह को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रभुत्व देखने को मिल रहा है वो साफ साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ एक बहुत बड़ी चोट लगी है। जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये एक बहुत बड़ा झटका दिया है इंडिया गठबंधन ने और यहाँ पर घोसी की उपचुनाव सीट पर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है वो अपने आप में इंडिया गठबंधन के एक बड़े प्रभुत्व को दर्शाता है। दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।